दोस्तों, अगर आप कार और बाइक्स की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे हुंडई की ओरा को मारुति की डिजायर के साथ, देखते हैं दोनों ही गाड़ियों में से आपके लिए बेस्ट कौन सी है। तो गाइस, इस कंपैरिजन की हम शुरुआत करेंगे इसके एक्सटीरियर से। सामने से देखने में आपको दोनों ही गाड़ियों में से हुंडई की ओरा ज्यादा अच्छी लगने वाली है। इसमें आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ प्रोजेक्टर फोग लैंप्स और साथ ही साथ बूमरैंग शेप के डीआरएल्स मिल जाते हैं। वहीं मारुति की डिजायर में आपको डीआरएल्स नहीं मिलते, वहीं आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ डिजायर आपको थोड़ी सी आउटडेटेड लगने वाली है। वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ मारुति की डिजायर काफी हद तक सिंपल लगती है। वहीं अगर हुंडई ओरा की बात करें तो यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं बिल्कुल नए डिजाइन के, जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। वहीं दोनों ही गाड़ियों के ORVMs पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और इन्हें आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं गाड़ी के रियर लुक की बात करूं तो यहां पर हुंडई ओरा का कोई कंपटीशन नहीं है मारुति डिजायर के साथ, क्योंकि इसमें आपको जेड शेप की टेल लाइट देखने को मिलेगी जो इस गाड़ी का की एलिमेंट है, यानी सबसे अच्छी लगती है देखने में। वहीं मारुति डिजायर की टेल लाइट इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वही दोस्तों, बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मारुति डिजायर की बात करना चाहूंगा। इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जिसमें आपको सभी यूजफुल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वहीं डैशबोर्ड पे सामने की तरफ आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर का आप बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, आपके इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल लगेंगी। वहीं रियर सीट में आपको कप होल्डर की भी फैसिलिटी मिडल में मिल जाती है। अगर ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो काफी डिसेंट इंटीरियर है, हालांकि क्वालिटी आपको उतनी सुपर्ब नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हुंडई ओरा के इंटीरियर की, तो यहाँ पर आपको डुअल कलर में इंटीरियर देखने को मिलेगा। ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट डिजाइन का स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा जिसपे सभी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं टच स्क्रीन डिस्प्ले की बात करूं तो वो डैश अप डिस्प्ले है, यानी वो आपको डैशबोर्ड से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी जिससे बार बार आपको सड़क से ध्यान हटा के डिस्प्ले की तरफ करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आजकल सभी लेटेस्ट गाड़ियों में इसी तरह की डिस्प्ले आ रही है और इसमें 8 इंच की डिस्प्ले लगी हुई है जिसमें सभी आपको यूजफुल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ तक इसमें आपको रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। वही दोस्तों, इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 5.3 इंच की एमआईडी डिस्प्ले मिलती है जिसमें गाड़ी के बारे में सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उसमें शो हो जाएंगी। वहीं सामने की तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल इसे डिजायर से कंपेयर करूं तो यहां पर क्वालिटी वाइज तो ओरा ज्यादा अच्छी है, वहीं ओरा में आपको फीचर्स भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर सीट कंफर्ट की बात करूं तो यहां पर डिजायर काफी बेटर है हुंडई की ओरा से। वहीं दोस्तों, अगर मैं रेयर एसी वेंट की बात करूं तो दोनों ही कंपनियां बैक सीट पे रेयर एसी वेंट देती हैं जिनका एयर फ्लो काफी हद तक डिसेंट है। दोस्तों, बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो यहां पर दोनों ही गाड़ियों की लेंथ बिल्कुल सेम है 3995 mm। और वहीं अगर मैं विड्थ की बात करूं तो ओरा की विड्थ 1680 mm है और डिजायर की विड्थ 1735 mm है, यानी आपको डिजायर में ज्यादा अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं गाड़ी की हाइट की बात करूं तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हुंडई की ओरा की हाइट 1520 mm है और वहीं डिजायर की हाइट 1515 mm है। व्हील बेस भी दोनों ही गाड़ियों का सेम है 2450 mm। अगर बूट स्पेस की बात करें तो हुंडई की ओरा में आपको 402 लीटर का एक बड़ा बूट स्पेस देखने को मिलेगा, वहीं डिजायर में आपको 378 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। दोस्तों, आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियों की लेंथ बिल्कुल सेम है, तो बूट स्पेस ओरा का ज्यादा कैसे हो गया? तो यहां पर हुंडई ओरा की सीट्स को थोड़ा सा कटआउट किया गया है जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा कम स्पेस देखने को मिलेगा और उसकी वजह से इसमें अच्छा खासा आपको बूट मिल जाता है। वहीं मारुति की डिजायर में आपको बूट स्पेस तो थोड़ा सा कम मिलता है 378 लीटर का, वहीं गाड़ी के अंदर आपको स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो सबसे पहले पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो
Hyundai Aura में आपको दो पेट्रोल इंजन देखने को मिलते हैं, 1.2 लीटर और 1 लीटर का टर्बोजेट इंजन। वहीं Dzire में आपको सिर्फ एक इंजन देखने को मिलता है, 1.2 लीटर का इंजन। वहीं नंबर ऑफ सिलेंडर की मैं बात करूं तो Hyundai की Aura के 1.2 लीटर में आपको 4 सिलेंडर देखने को मिलेंगे, वहीं 1 लीटर वाले टर्बो इंजन में आपको 3 सिलेंडर देखने को मिलेंगे। वहीं Dzire में भी आपको 4 सिलेंडर देखने को मिलता है। पावर की बात करें तो Aura 1.2 लीटर 83 PS की पावर देती है और 1 लीटर का टर्बोजेट इंजन आपको 100 PS की पावर देगा। और Dzire की बात करें तो Dzire 83 PS की पावर देती है। टॉर्क की बात करें तो Aura का 1.2 लीटर वाला इंजन 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा और वहीं 1 लीटर का टर्बो इंजन 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगा। वहीं Dzire की मैं बात करूं तो वो 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ मैनुअल और ऑटोमेटिक में अवेलेबल हैं और दोनों ही गाड़ियाँ BS6 सर्टिफाइड भी हैं। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं डीजल इंजन की भी। तो यहाँ पर Hyundai की Aura में आपको 1.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, वहीं आपको Dzire में 1.3 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलता है। पावर की बात करें तो 75 PS की पावर देती है Hyundai की Aura और Dzire 74 PS की पावर देती है। टॉर्क की बात करें तो 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है Hyundai की Aura और Dzire भी 190 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देती है। दोस्तों डीजल में Hyundai Aura ही है जो BS6 में आती है, यहाँ पर Dzire आपको BS6 में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको Hyundai Aura में एक और बेनिफिट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको CNG कंपनी फिटेड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको कंपनी फिटेड CNG मिल जाती है जो लगभग 69 PS की पावर देगी 90 न्यूटन मीटर टॉर्क में, और इसमें आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं मिलेगा, आपको इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर Hyundai की Aura में आपको 175 mm की विड्थ वाले टायर मिलेंगे 15 इंच में, और वहीं आपको मारुति की Dzire में 185 mm की विड्थ वाले टायर मिलेंगे वो भी 15 इंच में। दोस्तों यहां पर Dzire में आपको सिंपल अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, वहीं आपको Aura में डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। दोस्तों बात आती है फीचर्स की, तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको Aura में थोड़ा ज्यादा बेटर अच्छा देखने को मिलता है, 8 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, वहीं Dzire में आपको 7 इंच की मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसा फीचर दोनों ही गाड़ी में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दोनों गाड़ी में मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दोनों गाड़ी में मिल जाएंगे। कीलेस एंट्री भी दोनों गाड़ी में है। पुश बटन स्टार्ट भी दोनों गाड़ी में मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs ये भी फैसिलिटी दोनों ही गाड़ियों में है। टिल्ट स्टीयरिंग जैसा ऑप्शन भी आपको दोनों गाड़ी में मिल जाता है। वायरलेस फोन चार्जिंग ये सिर्फ आपको Hyundai की Aura में ही मिलेगा, Dzire में अभी तक ये फैसिलिटी नहीं है। वहीं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की बात करें ये दोनों ही गाड़ियों में है। प्रोजेक्टर फोग लैम्प्स की बात करें तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ Aura में देखने को मिलेगी, Dzire में आपको कोई भी प्रोजेक्टर फोग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। अब बात आती है सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट में आपको दो एयर बैग देखने को मिलेंगे, वहीं ABS और ABD भी दोनों ही गाड़ियों में है। वहीं रेयर पार्किंग सेंसर और कैमरा ये भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये दोनों ही गाड़ी में नहीं मिलता। हिल होल्ड कंट्रोल भी आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता। अब बात आती है कि इसी सेगमेंट की और कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो Hyundai Aura को कम्पीट कर सकती हैं। तो मारुति Dzire के साथ तो मैंने इसका कंपैरिजन कर ही दिया है, साथ ही साथ ये कम्पीट करती है Honda की अमेज, फोर्ड की एस्पायर, Volkswagen की MU और टाटा की टिगोर के साथ। दोस्तों इनके सभी के साथ कंपैरिजन इस चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, इन दोनों ही गाड़ियों का क्या प्राइस होने वाला है। तो यहाँ पर आपको Hyundai की Aura लगभग 5.8 लाख से स्टार्ट होके 9.2 लाख तक मिलेगी एक्स शोरूम प्राइस में, और वहीं Dzire की बात करें तो ये लगभग 5.8 लाख से स्टार्ट होके 9.5 लाख तक जाएगी। दोस्तों प्राइस में दोनों गाड़ी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोस्तों बात आते हैं कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अगर आप एक डीजल कार लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मारुति सुजुकी Dzire के साथ जाएं, क्योंकि उसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है और वहीं Hyundai की Aura के डीजल में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। यहां पर आपको रिफाइनमेंट Dzire में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी।
वहीं अगर आप एक पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली हुंडई की ओरा रेकमेंड करूंगा। उसका रिफाइनमेंट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको पेट्रोल में दो ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको ओरा में ही अवेलेबल होगा, जिससे आपकी रनिंग कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इन दोनों ही गाड़ियों में से बेस्ट कौन सी है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।